भारत देश में कई एशियाई देशों की धान मुख्य खाद्य फसल है। इतना ही नहीं, दुनिया में मक्का के बाद जो फसल सबसे ज्यादा बोई और उगाई जाती है वो धान ही है। करोड़ों किसान धान की खेती करते हैं। खरीफ सीजन की मुख्य फसल धान लगभग पूरे भारत में लगाई जाती है। अगर ऐसे में लाल धान की बात की जाए तो ये धान किसानों को कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाला है। लाल धान नाम की इस प्रजाति को बढ़ावा देने और इसके संरक्षण के लिए कृषि विभाग मंडी ने जिला मंडी में मझवार के रहने वाले किसान जीवन लाल को प्रशिक्षण के तौर पर धान का बीज दिया था और अब जीवन लाल के खेतों ने लाल धान की ये फसल तैयार होकर खूब लहरा रही है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने लाल धान की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए और इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए लगभग 2 वर्ष पहले बीज खरीदा था और प्रशिक्षण के तौर पर किसानों को बीज उपलब्ध करवाए थे। लाल धान की सबसे खास बात यह है कि इसकी फसल को कोई बीमारी प्रभावित नहीं करती है, बल्कि किसान इस फसल से दोगुना मुनाफा कमा सकते हैं। कुछ बातों का शुरू से ही ध्यान रखा जाए तो लाल धान की फसल से किसान ज्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। आपको बता दें कि धान की खेती की शुरुआत नर्सरी से होती है, इसलिए बीजों का अच्छा होना जरूरी है। हिमाचल प्रदेश में परंपरागत फसलों को बचाने के लिए कृषि विभाग प्रयासरत है और इसी तर्ज में विभाग ने विभिन्न क्षेत्रों में पुरानी फसलों के साथ साथ लाल चावल को उगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया। मैं मुंशी ठाकुर विषय बाद विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ सदर ब्लॉक मंडी में, और पिछले साल हमने जहल से जो अपना ब्लॉक अपना गोहर पड़ता है वहाँ से कुछ धान मंगाया था जो हमने जीवन लाल जी को यहाँ मझवाड़ी एरिया में दिया था, और पिछले साल ये जो वैरायटी है वो अच्छी रही, आननी नाम से जानी जाती है, और पिछले साल हमने इनको ये धान यहाँ दिया था तो सक्सेस रहा, और इसको इस बार भी कुछ धान जो है दुर्गापुर से मंगाया है जो इनको ट्रायल के रूप में यहाँ दिया गया है, और इसकी पिछले साल इसकी पैदावार अच्छी रही, और इस साल जो लाल धान इनको दिया गया है अच्छी फसल है और लगता है कि पैदावार भी इसकी अच्छी रहेगी और किसानों के लिए अच्छी है, बीमारी के लिए ठीक है, जो बीमारी किसानों को लगती है उससे भी राहत मिलेगी और लोकल वैरायटी को बचाने के लिए इस जगह ये बीज दिया गया है। ये रेड राइट की कल्टीवेशन है, मंडी सदर ब्लॉक में एरिया पहले नहीं थी, लेकिन लास्ट दो साल एक साल पहले हमने किया कि लास्ट ईयर गोहर से कोई लोकल धान परचेज किया रेड राइस, अब रेड राइस का जो लगाया है तो सक्सेसफुल रहा ट्रायल पिछली बार, फिर इस बार क्या किया हमने वो तो पिछली गोहर वाली वैरायटी तो लगाई, एक नई वैरायटी और दुर्गापुर एरिया से इंट्रोड्यूस कराई है लोकल वैरायटी। अब बीमारी इसमें जैसे बाकी आप धान देखेंगे हाइब्रिड लगा रहे हैं उसमें बीमारियों की प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन इसमें ना कोई बीमारी और पैदावार भी अच्छी है इसकी, इससे किसानों की आर्थिकी बढ़ेगी पड़ेगी। धान लगाया हुआ था और इसकी पैदावार अच्छी है और महंगा भी अच्छा है, तो इसकी मार्केट भी अच्छी है, मतलब हम चाहते हैं भी हर साल मतलब ये धान जो है आप हमको मुहैया कराते रहें। जिला मंडी पहले लाल धान है हमारे गांव में कहीं नहीं इसका बीज था, और इस साल विभाग की तरफ से जो बीज आया और हमने लगाया है, इसकी पैदावार बहुत अच्छी है और हम चाहते हैं भी आगे भी इसकी पैदावार ऐसी अच्छी रहे, और आप लोगों का विभाग का मतलब ऐसा धन्यवाद हम प्रकट करते रहेंगे और ऐसा आपसे ऐसी सेवा प्रदान करते रहेंगे। इसमें बीमारी कोई नहीं है और धानों में कई बार बीमारी आ जाती है, इसमें बिल्कुल बढ़िया धान चला हुआ है। अब आगे देखेंगे ये जो हमने धान पीछे लगाया था खाने के लिए इसका चावल भी अच्छा है और इसका ये लाल धान है, अब इसका चावल देखेंगे आगे के लिए कैसा होगा, तो हम चाहते हैं इस गांव से ऐसा धान मतलब साल हमको प्रदान करते रहे।